कितना उतना क्यों? बहुत झगड़ा टाइप का सीन चल रहा है। दलाल नहीं है बोल रहे हो, इधर दलाल लूट रहे हैं लोग को। नो वन इज बॉदर टू आंसर। किस बात के लिए भाई गवर्नमेंट जॉब क्यों कर रहे हैं? एक नहीं कई सालों से जारी है तरंदगी का वो खेल। शिकार बन रहे हैं मासूम लोग और उसके बाद भी बेपरवाह है प्रशासन। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। आज है ना गाड़ी ट्रेन में डालने वाले हैं। बस मैं तो इधर नहीं रहने वाला हूँ, दिल्ली में का टाइम हो गया ये गाड़ी को जाने के लिए। वैसे तो हम लोग उधर जाके चलाने वाले हैं, 10 दिन का प्लान है। अभी एक घंटे का रास्ता है इधर से रेलवे स्टेशन, उधर जाके पूरा पैकिंग करना है और उधर का प्राइस रेट क्या चल रहा है बाइक ट्रांसपोर्ट में डालने के लिए, मैं वो भी दिखाएगा फुटेज। वैसे तो मेरे को पूछा गया है लास्ट वीडियो अपलोड करने के बाद आप एक फुल फ्लेज्ड वीसा इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बताने के लिए, तो मैं आपको एक्सप्लेन करेगा फटाफट। आपके पास जब भी कुछ एडमिशन आता है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर F1 वीसा। ओके, सो आपके हाथ में एडमिशन का कॉपी है, एडमिट करके आता है। उसके बाद वंस यू पे सो एंड सो जो एडमिशन फी जो भी होता है, आफ्टर यू पे दैट दे विल गिव यू एन I-20 डॉक्यूमेंट। I-20 क्या होता है कि बस एक सर्टिफिकेट है आपको उधर जाने के लिए, उसमें आपका पूरा कोर्स का कॉस्टिंग ये सब डिटेल में मेंशन होता है एंड यू नीड टू प्रूव द फाइनेंशियल्स फॉर दैट। कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपके पास एक I-20 है एंड आपके पास बैंक बैलेंस या लोन जो भी है एंड आपका एकेडमिक्स का रिपोर्ट है, लाइक आपका ग्रेजुएशन का आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होना चाहिए एंड ओरिजिनल डिग्री होना चाहिए। ओरिजिनल डिग्री प्रोविजनल डिग्री अलग अलग चीज़ है, ओरिजिनल डिग्री होना चाहिए। मान के चलो अभी आप पास आउट है, 2022 का पास आउट है, 2-3 months के बाद आपको ओरिजिनल डिग्री मिलेगा इफ़ यू आस्क इन योर यूनिवर्सिटी। दीज आर ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ऑल्सो एक सेविस करके फीस रहता है, वो होता है स्टूडेंट रिकॉर्ड। USA में एक स्टूडेंट रिकॉर्ड बनता है, जैसे आप कोई भी कॉलेज में पढ़ाई करने का स्टार्ट करने वाले तो आपके एक ID होता है, वो ID जनरेट होके ना यूल यू योर स्टूडेंट। सो सारे डॉक्यूमेंटेशन है ना उस रिकॉर्ड एक रिकॉर्ड बना के रखता है एंड उसके लिए फीस पे करना होता है, अप्रॉक्सीमेटली $350 है। सो ये सब ध्यान में रख लो, I-20, सर्विस फी रिसिप्ट, आपका फाइनेंशियल्स एंड आपका एजुकेशन बैकग्राउंड एंड इफ यू हैव वर्क एक्सपीरियंस, ये 5 जरूरी एंड इम्पॉर्टेंट एंड मैंडेटरी है। ये 5 के बिना आप इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकते हो। मान के चलो आप बिना फाइनेंशियल्स भी गए हो, इफ दे आस्क यू टू शो एंड इफ यू कैनॉट प्रूव इट you are straight away rejected. Once you have all these documents, DS-160 करके एक वेबसाइट रहता है फॉर US। DS-160 में ना आपका सारा डिटेल्स भरना होता है, दैट इज फॉर बुकिंग वीसा इंटरव्यू। वीसा का इंटरव्यू ना 2 step का प्रोसेस है। एक स्टेप, पहले वाला स्टेप में ना यू नीड टू गो एंड रजिस्टर योर फिंगरप्रिंट, जैसे सेम आधार कार्ड का जो होता है ना, जैसे हम लोग जाके 10 finger डालते हैं और फोटोग्राफ लेते हैं, सेम एज इट इज। जैसे इधर का आधार कार्ड है उधर का आधार कार्ड मान के चलो, SSN भी बोल सकते हो। ये स्लॉट है ना आपको एक दिन लगने वाला है इसके लिए, बट प्रोसेस जो है हार्डली 3-4 minutes का प्रोसेस है, बट नॉर्मली इसके लिए 1 day मिलता है। जैसे आप ये कंप्लीट करेगा फिर उसके बाद आता है आपका वीसा इंटरव्यू। ये यूजुअली पीपल पुट अ डिफरेंस ऑफ 2-3 days बीच में, जब भी बुक करने वाले हो पहले बायोमेट्रिक्स बुक करेगा उसके बाद वीसा इंटरव्यू बुक करता है। जब वीसा इंटरव्यू का प्रोसेस आता है वो भी हार्डली मैक्सिमम 1 minute का इंटरव्यू होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 minute, मेरा तो 10 seconds में ख़त्म हो गया था इंटरव्यू। वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड। अभी कॉमेडी देखो गाइस, अभी मैं जैसे जाता हूँ ना उसके अंदर कैसे मेरे ऊपर आ जाएगा, फिर आपके सामने पूछेगा। देखो फुटेज लाइव है, देखो सीधा कितना मांगेगा। देखो मैं पहले किया हूँ, पहले स्कैम भी हुआ है मेरे साथ, इसके लिए मेरे को पता है ऐसा। उस टाइम पे ना आप डेस्परेट हो जाते हैं, इधर ना टाइमिंग में मारते हैं। जैसे मान के चलो मैंने इतना एफर्ट मार के इतना दूर आया है, जो मांगेगा देना ही पड़ेगा। इधर से काफ़ी कन्फ्यूज हो जाएगा, इधर एक छोटा सा राइट दिख रहा है ना, इसमें जाना है। ये जो अंकल है ना यही है पिछले बार भी। कहाँ भेजिए? खड़ा रहा, खड़ा रहा, आराम से खड़ा रहा। तुम बात तो कर लो फोन पे। खड़ा हुआ, खड़ा रहा। गाड़ी में लंबा है, बड़े पापा का यूं तो भाड़ उसका आ रहा है। कैसा अंकल? विजयवाड़ा। ठीक है, और कम पड़ जा। हाँ, कितना होगा? अरे ले लेना, जब मर्जी कर ले। 1000? 1000 ही ले ली। अरे बताओ अंकल कितना कितना है बताओ। बाउंस मतलब इंग्लिश में कितना? कितना? उतना क्यों?
टोटल है इसमें अभी भेजिए मैंने। देखो गाइस ठीक है आपके सामने, और बिल कटेगा 400-500 का। रुको कोई पुलिस आया था, उसने बोला इधर दलाल है, काट लेगा तेरे को पूरा, अंदर जाओ पस्ता में होगा बोल रहा था। ये है एंट्री। इधर का हाल बहुत खराब है, बहुत झगड़ा टाइप का सीन चल रहा है। पेट्रोल निकालने का प्रोसेस है, इसमें से पेट्रोल निकालेगा अभी पूरा, क्योंकि ट्रेन में तो गाड़ी में फ्यूल नहीं होना चाहिए जब वंस यू लोड योर व्हीकल। अभी हमारा पैकिंग स्टार्ट होने वाला है गाइस। जैसे वैसे पता है आपको, इधर तो काम चल रहा है, उसके अंदर कुछ स्टफिंग डालने के लिए गए हैं। एक भाई साहब मिला है, उसका गाड़ी भी भेजने वाला है उसके गांव, ये हैदराबाद है, मैं भी विजयवाड़ा भेज रहा हूँ। तो बात ये है कि मैं बस ऐसे डिस्कस कर रहा था बैठ के, भाई जैसे मेरे को एक तीन सवाल पूछना है। सबसे पहले सवाल, आपने पहले कभी भेजा है गाड़ी? हाँ पहले भेजा है, बहुत भेजा। अभी का प्राइसिंग क्या मिला आपको? 8,000 इधर से हैदराबाद। भाई 4,000 डालेगा तो पेट्रोल डाल के आप कुछ जा सकते हो, पता है ना। बंदा वहाँ पे यार हैगा ना, वो कह रहा तुम भेज दो, यहाँ से वहाँ बुला रहा है। मैं कह रहा हूँ इनसे 4,500 ले लो, 5 ले लो, जब भी राजी नहीं है कोई। अरविंद केजरीवाल सर जी बताओ सर, इधर क्या हो रहा है दिल्ली में? दलाल नहीं है बोल रहे हो, इधर दलाल लूट रहे लोग को, आम आदमी को लूट रहे, आप कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये बस बस बोल बच्चे नहीं कि कुछ दिखाएगा भी काम में, आप क्या बोलते हैं भाई? भाई सरकारी जो अंदर दफ्तर वाले बैठे हैं वो कहते हैं ये लाओ वो लाओ, 1,000 नाटक बता देते हैं, कहाँ से क्या बंदा करेगा, पढ़ा लिखा है नहीं, जाहिल है हर कोई इतना हिंदुस्तान के अंदर, तो वो तो बेचारा पागल हो जाता, फिर दलाल को देना पड़ती है हर चीज। किस बात के लिए भाई गवर्नमेंट जॉब क्यों कर रहे है? कोई है गवर्नमेंट ऑफिसर जो देख रहे है? क्यों कर रहे हो यार, आप नहीं कर पाया था, रिजाइन कर लो, कोई ना कोई तो कर लेगा जो वर्थ वाला कैंडिडेट है। मैं भी खुद गया था उधर पूछने के लिए, नो वन इज बॉदर टू आंसर, एटलीस्ट जवाब देने का लायक भी नहीं है वो लोग। बताओ जाके बात करेगा और 2-3 लोग से, देखना है क्या होगा इसका आउटकम। गाड़ी तो भेजना ही है कैसे? हाँ गाड़ी तो भेजनी है वाले से, जितने में भी जाए। यही होता है, अभी मैं लास्ट टाइम भी 3-4 बार भेजा है ना, सेम इश्यू हुआ था। गिव अप करके आदमी फाइट करके गिव अप करके फ्रस्ट्रेट होके पैसा देके चला जाता है, और कुछ ऑप्शन ही नहीं मिलता आपको। बहुत कॉस्टली होने वाला है, 7,000 मांग रहे। देखो मेरे सामने दलाल है, ये लेके जा रहे हैं मेरे को एक वेटिंग लिस्ट का टिकट निकालने के लिए। पूरा बताता हूँ, बहुत जोल जपाटी है, आप इमेजिन नहीं कर पाएगा क्या क्या कर रहे हैं यार ये लोग। मेरे को तो इधर ब्रदर मिला है, भाई ने काफी हेल्प किया है मेरे को, प्राइस तो थोड़ा ज्यादा ही है बट ठीक है, पूरा प्रोसेस इसने करा लिया है। बहुत एग्जॉस्ट हो गया है, 2 घंटे से मैं इधर उधर ढूंढ रहा था। भाई आपका नाम? अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो फिर दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे पाखंडी की दास्तान जिसे देखकर आप भी सिहर उठेंगे। ब्रो मेरा नाम शाहरुख। चलो फिर मेरा मेरा बाइक का क्या क्या खर्चा है बता दो। स्टार्टिंग आपका 500 पैकिंग, 3,000-5,000। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, 2,500 रेलवे फेयर, वो जो टिकट वो सब एडजस्टमेंट। हाँ, टिकट का अलग है? हाँ, सॉरी 2,500 रेलवे फेयर है और टिकट का अलग है, टिकट लेना पड़ेगा। बिना टिकट दिल्ली में नहीं होगा, बाकी जगह पे होगा, ओनली दिल्ली में नहीं होता है। टिकट कंपलसरी। और क्या खर्चा है? वो दादा इसका रेलवे पे लोडिंग है, लेबर है। हाँ लोडिंग लेबर है सब छोटा छोटा, मेरा मान के चलो कुछ 6,000 के आसपास हुआ है टोटल। हाँ 6,000 हुआ है टोटल। मेरा हालत देखो गाइस, मैं आया था 3 बजे, 3 घंटे का टाइम वेस्ट, फाइनली तो हो गया। जो बीच में बात कराया था ना, जानबूझ के बात कराया था, एक्चुअली वो प्राइस वो नहीं था, वो 7,000 था। मैं आपको जब मैं कैब में बैठेगा ना, मैं क्लियर कट बताएगा क्या सीन है। अभी बैठ गया और हम लोग जा रहे हैं घर वापस। बहुत सर दर्द, 3 घंटा से उधर इधर उधर भटकता रहा। प्रोसेस बताता हूँ, नॉर्मली 4-स्टेप प्रोसेस। आपका ओरिजिनल RC होना चाहिए, गाड़ी आपके नाम पे होना चाहिए, यू मस्ट हैव ए कन्फर्म टिकट, आपका ओरिजिनल कोई ID प्रूफ होना चाहिए, एंड पैकिंग आपको अरेंज करना पड़ेगा। ये सब आप कर पाएगा तो यू डोंट नीड टू पे anyone, आपको बीच में कोई इंटरफेरेंस को जरूरत है ही नहीं। चलो मेरे पास टिकट नहीं था, इसके लिए मेरे को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हुआ। मेरे को पहले से पता था टिकट होना चाहिए, बट ठीक है, मतलब अनप्लान्ड, मतलब फटाफट आज सोचा कि आज करना है, उठ के आ गया करने के लिए। टिकट एंड इंश्योरेंस कटा है कुछ 2,500 का, इसका गाड़ी का, नॉट माइन। मेरा जो टिकट है नॉर्मली 775 रुपीज़ का आता है या 750 रुपीज़ आता है दिल्ली टू विजयवाड़ा। ये क्या बोला है कि 2,000 है ना जो टिकट बुक करने वाले को देना है, गाड़ी का टिकट। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, सॉरी टू कन्फ्यूज, मतलब वो क्या बोलते हैं, ब्राइब देना है उसको 2,000, बिकॉज यू हैव ए वेटिंग टिकट, यू डोंट हैव ए कन्फर्म टिकट। इफ़ यू पे 2,000 रुपीज़ फिर वो बुक करेगा। देखो भाई इधर ही हो गया ना स्कैम, ये है एंड ऊपर का पैकिंग का 300, ऐसा अलग 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 इन्फ्लेटेड में ना 1,500 उसका कमीशन। वो मतलब दे डोंट वांट यू टू कम एनीवेयर, दे जस्ट वांट यू टू स्टैंड एंड सेट। मैं तो इधर उधर उसके पीछे पीछे गया, मैंने बोला मेरा कार्ड से करो पेमेंट, मैं ज़बरदस्ती किया, फिर मेरा कार्ड से किया, फिर इसके लिए मेरे को अंदर का पूरा प्राइसिंग सिस्टम पता चला। 2,508 वॉज पेड ऑन माई कार्ड, इंश्योरेंस प्लस बाइक का ट्रांसपोर्टेशन। सो ये है स्कैम गाइस, सो प्लान्ड आओ, टिकट बुक करके आओ,
फिर आपका सीधा स्ट्रेट रहेगा, ओनली टिकट एंड इंश्योरेंस का पे करने और बस पैकिंग का 200-300 जो भी है पे करने, वो गवर्नमेंट स्लैब है। एंड जो भी अभी तक वो जो बताया ना, वो कुछ भी बकवास बात कर रहा था, 6000 जो वीडियो, वो इसका नाम क्या शाहरुख, वो बोल रहा था ना बकवास है, इग्नोर है। अभी तो घर जाने का है, थोड़ा नाना है, सी यू।